एप डेली के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एप डेली के न्यू वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रॉक्सी एपलॉक सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एप्लीकेशन क्या है दोस्तों और इस एप्लीकेशन को आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फुल डिटेल के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक के वॉच करना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से जो आपके पर्सनल ऐप्स आते हैं उसको आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए से लॉक लगा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में आपको यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं फास्ट वीपीएन। तो दोनों फीचर मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आपको वीडियो को लास्ट तक के वॉच करना है। तो इस एप्लीकेशन को आपको किस तरह से यूज़ करना है, इसे आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन आप जैसे करते हो दोस्तों आपको क्या बोलता है, डायरेक्टली सर्वर कनेक्ट करने का बोलता है। तो ओके के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों तो आपका क्या कनेक्ट हो जाता है, जो वीपीएन होता है इस एप्लीकेशन का वो कनेक्ट होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको सेकंड चलते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एप्लीकेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, जो ऐप लॉक आता है तो जो आपके पर्सनल ऐप्स आते हैं उसको आप किस तरह से लॉक लगा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, ऐप लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यूज ऐप लॉक टू, इसको गो कर देना है। गो आप जैसे करते हो दोस्तों ये परमिशन मांगता है, इससे आपको पहले परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद आपको बैक साइड आ जाना है। बैक साइड आने के बाद जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, सेटिंग में से इसको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसी पॉलिसी आपको पहले देख लेना है। देखने के बाद कुछ इस तरह से आपको नीचे की साइड टिक मार का ऑप्शन मिल जाता है, आई एम एग्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको टिक मार कर देना है। टिक मार करने के बाद ओके का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से बैक साइड आ जाना है और फिर से आपको एक बार बैक साइड आ जाना है। बैक साइड आने के बाद एक एड आपके सामने शो होती है दोस्तों, आपको एड पूरी फॉल वॉच कर देना है। छोटी सी एक एड आ जाती है, एड को आपको सिंपल तरीके से स्किप कर देना है। स्किप आप जैसे करते हो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने मिल जाता है, जो पैटर्न होता है आप जो आपका ऐप लॉक लगाना चाहते हैं, आपका जो भी ऐप ओपन करोगे तो उस पर आपको सबसे पहले कौन सा लॉक लगाना है वो आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 ये लॉक यहाँ पे डाल देता हूँ। तो 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है दोस्तों। सेट करने के बाद सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाता है। आने के बाद दोस्तों जो जितने भी ऐप्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस किसी भी ऐप्स को आपको लॉक लगाना है सिंपल तरीके से उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो कोई ऐप यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट है यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे कि कोई भी एक जैसे कि इंस्टाग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसको मैं सिलेक्ट क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड शो होती है, ऐड को आपको वॉच करके इसको सिंपल तरीके से स्किप कर देना है। तो ऐड को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया दोस्तों, जो ऐप्स का वो सक्सेसफुली यहाँ पे लोकेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो अनलॉक वाले ऐप्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जो आपने लॉक लगाए हुए ऐप्स वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी मैंने इंस्टाग्राम को लॉक लगाया, वो इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड आपको आ जाना है। तो मैंने आपको ऐप लॉक लगा के यहाँ पे बता दिया, आप सिंपल तरीके से वीपीएन किस तरह से आपको यूज़ करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सर्वर किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, आपने फर्स्ट बार इसे ओपन किया तो डायरेक्टली हमने इसे कनेक्ट कर लिया था, तो इसे डिसकनेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो सर्वर होता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। अगर आपको कनेक्ट भी करना है तो सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है और कनेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल तरीके से ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों जो सर्वर की लिस्ट होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह इस एप्लीकेशन का सारा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।